जादुई बकरी। एक समय की बात है, भागलपुर गांव में श्यामू और उसका परिवार रहता था। श्यामू के पास कुछ काम न होने के कारण वह सेठ रतनलाल के यहाँ काम करने के लिए जाया करता था। पर सेठ रतनलाल बहुत ही अकड़ू और घमंडी किस्म का व्यक्ति था। वह जब देखो रामू को किसी न किसी बात पर डांटता रहता था। वह रामू को पसंद नहीं करता था और वह चाहता था कि रामू उसका काम छोड़ दे। अरे रामू, क्या कर रहा था अभी तक? काम धाम हो गया ना? साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब हो गया? आजकल तू काम कम और खाता ज्यादा है। ऐसा करेगा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा और दोबारा काम पर नहीं रखूंगा, याद रखना। और तुझे पता तो है ना कि आज तुझे बाजार जाना है? हाँ हाँ मालिक, मुझे याद है, आज बाजार जाना है और बाजार से सब्जी भाजी खरीद कर लाना है, और बाजार आने के बाद मुझे खेतों में हल चलाने के लिए जाना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है, जा जल्दी। रामू की जिंदगी तो सेठ रतनलाल के ऐसे ही ताने सुनकर कट रही थी। वह सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपना खुद का व्यापार करूं, पर वह क्या करता, वह तो गरीब था ना, उसके पास धन था ना दौलत ना कुछ भी, फिर भी वह अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। बेचारा वह उदास होकर सेठ रतनलाल के खेतों की ओर काम करने चल देता है। रामू बड़ी मेहनत और लगन के साथ खेतों में जुताई और बुवाई करता और सेठ रतनलाल को खास इससे फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि सेठ रतनलाल तो उससे बहुत ही खफा और नाराज था, क्योंकि उसे उसका काम और बर्ताव पसंद नहीं था। रामू मेहनती था, पर क्या करें, कहते हैं ना सबको किस्मत राजा नहीं बनाती। पर रामू को क्या पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। रामू थकार कर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आजी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ कि आप सेठ रतनलाल के यहाँ काम करना छोड़ दें। आप कितनी मेहनत करते हैं फिर भी सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो आपको जब देखो ताने कसते रहता है और आपको कुछ भी बोल देता है, ऐसे कब तक चलेगा? आप उसका काम छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मेहनत और मजदूरी करने के अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम व्यापार कर सकें या कोई जानवर ही खरीद लें। पर क्या बताएं, सेठ रतनलाल के यहाँ काम करना तो मेरी मजबूरी हो गई है। अब कौन बताए किसी को कि वो कितना घमंडी और अकड़ू इंसान है, कि क्या बताएं, मुझे रोज उसकी खरी कोटी सुननी पड़ती है। भगवान को भी लगता है शायद यही मंजूर है। आप उदास मत होइए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बकरी पाल लें, बकरी से जो भी मुनाफा होगा उससे हम अपना और अपने बच्चे का पेट भरेंगे और खुशी जीवन जिएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों बाद बकरी के बच्चे भी हो जाएंगे। बस आपको सुबह शाम उसको चराने के लिए ले जाना पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ भगवान, वो तो सब ठीक है, पर हमारे पास इतना धन कहाँ से आएगा बकरी लाने के लिए? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उन्हीं पैसों से आप बकरी ले आइएगा। ठीक है भगवान, आप खाना भी खिलाओगी कि रात भर भूखा रखोगी? फिर रामू और उसका परिवार आराम से भोजन करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो रामू अपने पत्नी के कहने पर बाजार चला जाता है बकरी खरीदने के लिए। रामू अपने मन ही मन सोचता है और कहता है, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के कहने पर बाजार जा तो रहा हूँ बकरी खरीदने,
पर इतने कम पैसों में मुझे बकरी कौन देगा? अब राम ही जाने पता नहीं क्या होगा बाजार में। रामू कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाता है। राम राम भाई साहब, ये बकरी कितने रुपए की दे रहे हो? राम राम भाई साहब, यह बकरी 4000 की है, सुबह शाम दूध देती है और 4-4 लीटर सुबह शाम दूध देती है। तो आपको मंजूर हो तो आप इसे ले जाइए। ये बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं बकरी लेने? हमारा नाम श्यामू है भाई साहब, और हम भागलपुर गांव से आए हैं। आप जो बकरी बता रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 4000 रुपये तो हमारी तनख्वाह भी नहीं आता। आप कुछ कम कीजिए भाई साहब, अगर हो सके तो 2000 में कर दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, आपको इतने कम में बकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको इतने कम में बकरी चाहिए तो आप उनसे लीजिए। हमने तो आपको अपना ही समझकर बताया था कीमत इसकी, नहीं तो इसकी कीमत 6000 रुपये है, आपको हमने 4000 बताया है। अगर आपको इससे कम में चाहिए तो आप दूसरे व्यक्ति से लीजिए, जो हमारे भाई साहब पीछे खड़े हैं, उनकी बकरी छोटी भी है, हो सकता है आपको मिल जाए। हाँ तो भाई साहब आप बताइए, आपने इस बकरी की कीमत क्या लगाई है? ये तो बकरी बहुत छोटी भी है। हमारी बकरी की कीमत 2000 है भाई साहब, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसे ले जाइए, वैसे भी हम इसे बेचने ही आए हैं, और आपको अगर ठीक लगे तो ले जाइए आप इसे। ठीक है भाई साहब, आप हमें बकरी दे दीजिए। मैं अपनी पत्नी के कहने पर बकरी ले तो आया हूँ, पर ये बकरी बहुत छोटी है, पता नहीं कब तक में ये बच्चा देगी और कब तक में क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा। देखते हैं, खैर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर रामू ऐसे ही सोचते सोचते अपने घर की ओर चला जाता है। रामू थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटी उसकी इंतजार कर रहे हैं। रामू के बेटी की नजर उस बकरी पर जब पड़ती है तो वह कहती है, अरे बाबा, ये बकरी कहाँ से उठा लाए आप? ये बकरी तो बहुत छोटी है, ये भला हमारे किस काम आ सकती है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, बाबा ने सोच समझ कर ही बकरी लाया होगा, वैसे भी ये इतनी छोटी भी नहीं है, ये बच्चा पैदा ना कर सके। अब चिंता मत करो तुम। मैं क्या करूं भगवान, तुमने जो पैसे दिए थे उसमें से 2000 कम पड़ गए थे, इसलिए ये छोटी बकरी मैंने खरीद ली, क्योंकि बकरियों का दाम बहुत ज़्यादा था। और अब क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। कोई बात नहीं जी, जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा, आप हो गया उदास मत होइए। ठीक है जी, अब रात होने वाली है, इस बकरी को हम कहीं बांध देते हैं। फिर रामू अपनी बकरी को अपने आंगन के एक खम्भे से बांध देता है और थोड़ी ही देर में वह बकरी वहां से विलुप्त हो जाती है। और कुछ ही देर में आंगन में मटकों से भरा सोना चांदी हीरा मोती जेवर जवाहरात अचानक से वहां उपस्थित हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर में रामू वहां पास आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वह देखता है कि उसकी बकरी वहां पास नहीं है और उसकी जगह सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वह कहता है, हे भगवान, मेरी बकरी कहां चली गई और उसकी जगह ये सोना चांदी हीरे जवाहरात कहां से आ गए? अब ये क्या करेंगे, इतने सारे सोना का हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले कि कोई आ जाए मैं इस खजाने को अपने घर के अंदर रख लेता हूँ। फिर सुबह हो जाती है तो रामू की पत्नी उससे पूछने लगती है कि हमारी बकरी कहाँ है और ये सारा धन कहाँ से आया। तो रामू उसको कल की सारी घटना बताता है। हे भगवान, इतना सारा धन, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा धन कभी नहीं देखा, और मुझे तो लगता था कि हमारी जिंदगी गरीबी से ही कटेगी। धन्यवाद हो उस बकरी का जो हमें धन देकर चली गई। आज ही सुनते हो,
अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपना ही व्यापार करेंगे और इस धन को किसी अच्छे काम में लगाएंगे। इस तरह रामू और उसका परिवार जादुई बकरी की सहायता से खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।